प्रदेश जन अभियान परिषद को सरकार द्वारा बंद किए जाने के विरोध में हुआ जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार जन अभियान परिषद को किन्हीं कारणों से बंद करना चाहती है। साथ ही जन अभियान परिषद के सहयोग से कोर्स संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें गुना जिले के 500 विद्यार्थी व पूरे मध्य प्रदेश से 35,000 से ज्यादा विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं। लेकिन सरकार द्वारा जन अभियान परिषद को बंद कर जो कोर्स जन अभियान परिषद द्वारा संचालित हो रहे हैं उनको भी बंद किया जा रहा है, जिसके विरोध में यह धरना प्रदर्शन किया गया है। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की तरफ से धरना प्रदर्शन है। जैसा कि वर्तमान सरकार ने निर्णय लिया है कि किन्हीं कारणों के वजह से मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद को बंद करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद में लगभग 600 पूरे मध्य प्रदेश में स्थायी कर्मचारी थे, उनको हटाने का मन भी ये सरकार बना रही है। तथा CMCLDP मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एक कोर्स का संचालन मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद और दो संस्थाएं अन्य महिला बाल विकास और आदिम जाति कल्याण विभाग के माध्यम से विगत 3 सालों से किया जा रहा है। उस कोर्स में गुना जिले के 500 विद्यार्थी हैं और पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 35,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। उस कोर्स को भी ये सरकार बंद करना चाह रही है, वो भी सिर्फ मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद जो संचालित कर रही है उसी को बंद करना चाह रही है। हम लोगों का ये सब लोग मिलके हम एक जो है सरकार से अपील करते हैं कि कुछ चीज़ जो है सोच समझ के इस प्रकार का कोई निर्णय ले। इससे कई लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है, इसको ना हटाएं। हमारा सरकार से विनम्र निवेदन है, अन्यथा हम जो है इसके विरोध में और उग्र आंदोलन करेंगे और भोपाल तक जाके भी हम हमारा हक लेंगे। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते।